Good morning, dear students. So today we are going to see our new chapter, that is chapter number 9, force and pressure. ठीक है, तो इस chapter में हम लोग क्या basic चीजें जो कि major चीजें हैं हम लोग उस चीज को cover up करेंगे. वो चीजें क्या हैं? Force and its cause. Force क्या है और उसके cause क्या हैं, है ना. Effects of force के बारे में देखेंगे. Types of forces, कितने तरह के forces हैं वो देखेंगे, है ना. उसके बाद हम लोग pressure का introduction करेंगे. Pressure क्या है, है ना. रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एरिया क्या है, दोनों प्रेशर और एरिया. एरिया क्या, कोई पर्टिकुलर एरिया जो कोई भी सरफेस है उसका एरिया, है ना. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है. अब उसके बाद देखेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स. लिक्विड्स के द्वारा प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, लिक्विड जो प्रेशर दूसरों पे डालता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स. ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट. तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, so for the very first of the big for the beginning you will see that some of the happenings are there. That means isme kya kuch observations hai jo ki aapko daily use karte ho. Aap isko agar read karoge to aapko samajh mein aa jayega, hai na. Kya bola hai, when you go to school in the morning you apply force to lift. Just to tell you the introduction of force. Force exactly hai kya, aap kahan kahan isko apply karte ho common se cheezon mein, है ना. दरवाजा खोलने में फोर्स लगा, बैग को उठाया आपने कंधे पे रखा फोर्स से लगाया, है ना. उसके बाद क्या होता है कि सपोज आपने कोई भी चीज को उठाने में ताकत लगाया, या फिर बस पे चढ़े तो आप चल रहे हो तो आपको बॉडी फोर्स लग रहा है ना. तो कोई भी चीज करने में आपको फोर्स की जरूरत होती है. ठीक है, तो यही कहने का मतलब है. ओके, सो जो फोर्स क्या है एग्जैक्टली, ये सब चीजें दो तीन पैराग्राफ जो है वो आप लोग अपने से पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक्चुअली है क्या. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. अभी जो है व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स किसे कहते हैं. वी कैन डिफाइन फोर्स एज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. कहने का मतलब क्या है कि फोर्स वो चीज है जिससे कि हम कोई बॉडी पे अप्लाई करते हैं, आइदर पुल मतलब खींचना या फिर पुश मतलब धकेलना. ठीक है, तो पुल या पुश करते हैं कोई बॉडी पे जिससे क्या होता है उसका शेप चेंज होता है, है ना. उसका मोशन रेस्ट ऑफ जो बॉडी का जो पोजीशन था वो चेंज होता है. पहले मान लो कि वो रेस्ट में था तो हमने ढकेला या पुश किया तो वो चलने लगा, मूव करने लगा. ठीक है, या फिर होता है कि उसका बॉडी शेप चेंज हो जाता है. सपोज कोई चीज को आपने दबा दिया, है ना, तो क्या होगा उसका बॉडी शेप चेंज. जैसे कि आपका टूथपेस्ट, है ना, आप उसको प्रेशर दबाते हो, लगाते हो उसमें फोर्स लगाते हो तो क्या होता है उसका शेप चेंज हो जाता है ना. सो वही कह रहा है, we can define force as a pull or push acting on a body, कोई एक body पे which tends to मतलब वो लाता है, change लाता है in its state of rest, या फिर मतलब पहले मान लो कि state of rest था, rest में था, आपने दबाया या फिर धकेला या फिर उसको खींचा तो क्या हुआ उससे motion हो गया. जैसे कि दरवाजा, दरवाजा क्या था, rest पे था, उसको क्या किया आपने, पकड़ के ताना, pull किया या push किया तो क्या हुआ उसमें मोशन हुआ ना, उसका पोजीशन में चेंज हुए. तो वो वही कह रहा है कि उसमें मोशन होता है. कोई भी बॉडी रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है ना, आपने उसको पुश किया तो क्या हुआ टेबल का पोजीशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया. ठीक है, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट. फोर्स यू कैन एक्सपीरियंस एनीवेयर एवरी टाइम. ठीक है, नाउ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड. द स्टेट ऑफ मोशन जो होता है वो किससे डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, स्पीड से. किस स्पीड से वो बॉडी मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, किधर मूव कर रहा है. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या कहोगे उसके स्पीड के बारे में बात करेंगे हम लोग की कितना स्पीड है. ठीक है, और हम लोग क्या देखेंगे कि उसको पुल आइदर इट इज हम लोग का. सो मतलब क्या था कि द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय स्पीड एंड डायरेक्शन. मतलब कि किस जगह कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी स्पीड क्या है एंड ऑल्सो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है ना, लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है ना. तो ये सब चीजों से हम लोग उसको जज करते हैं. व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो इट इज कंसिडर्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी का स्पीड जो है वो जीरो है, दैट मीन्स क्या, वो बॉडी जो है रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, आगे देखो. The force is usually denoted by letter F, है ना. Force जो है उसको हम लोग किससे denote करते हैं, F से, capital F. The force could be large or small. The strength of the force is usually experienced by magnitude. The standard unit of force is the unit of force जो है वो क्या है, newton है, है ना. वो क्या है, newton. It is denoted by capital N. जब भी आप newton लिखोगे तो ध्यान रखना कि newton को जो है
हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, एन जो है दैट इज स्मॉल, है ना। अगर फुल न्यूटन लिख रहे हो तो अगर डिनोट कर रहे हो कैपिटल एन से, ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। द स्टैंडर्ड द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब किस डायरेक्ट, अगर हम लोग ढकेल रहे हैं या फिर उसको पुल कर रहे हैं तो वो क्या है, हम लोग एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर पुश कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर फोर्सिंग इट इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, और अगर हम लोग पुल कर रहे हैं तो मतलब कि हम लोग अपर डायरेक्शन में उसको निकाल रहे हैं फोर्स को, ठीक है। आगे देखो क्या है, उसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। सो आगे पढ़ते हैं, आप इधर देख सकते हैं डू यू नो में क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट, मतलब कि मास का डेफिनेशन क्या कह सकते हो कि वो क्वांटिटी है कि उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है। कोई एक बॉडी ले लो, कोई भी है, सपोज बॉल ले लो, तो उसके अंदर कितना मैटर है, है ना, वो बताता है आपको कौन, मास, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मूविंग बॉडी, ठीक है। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं, अगर वी अगर आप वेलोसिटी देखते हो, है ना, सो v इज इक्वल्स टू होता है क्या, हमेशा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इन, है ना, डिस्प्लेसमेंट s, या भी डिस्प्लेसमेंट बोलो तो डिस्टेंस बाय टाइम में रहता है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसको आप क्या कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मतलब कि एक्सेलरेशन को अगर ए से डिनोट करते हैं तो क्या हुआ, ये क्या आता है, वी बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई यूनिट टाइम, है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, कितनी रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास का फॉर्मूला देखो क्या है, फोर्स का जो एक रिलेशन मिलता है हमको, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो आप यहाँ से बना सकते हो, फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई भी एक क्वांटिटी मिसिंग रहेगा उसमें आपको ये थर्ड क्वांटिटी से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, ये फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, मतलब कि फोर्स तभी पॉसिबल है जब बॉडीज में इंट्रैक्शन हो, इंट्रैक्शन मतलब कि टच हो, है ना, या फिर कहो कि दो बॉडी में इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब क्या हो, कोई एक रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। सपोज कि अगर आप यहाँ खड़े हो और आपके आगे रखा हुआ डेस्क, तो क्या वो अपने आप मूव कर जाएगा, जब तक कि आप उसके साथ कुछ इंट्रैक्शन ना करो, उस पर कुछ आप अप्लाई ना करो, फोर्स अप्लाई करना, उसको टच ना करो, उसको पुश या पुल ना करो, क्या वो पॉसिबल है कि वो वहां से अपनी जगह से मूव कर सकता है, नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या कि हमें एक फोर्स का क्या है, इंट्रैक्शन होना जरूरी है, कोई भी फोर्स होने के लिए इंट्रैक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना, क्या बोल रहा है ये फर्स्ट पैराग्राफ, ऑन अ सीट एंड अ बाइसाइकिल एंड वेट फॉर इट टू मूव ऑन, क्या ये अपने आप मूव करेगा, आप साइकिल पर बैठ जाओ क्या अपने आप मूव करेगा, नहीं, आप जब तक उसको पैडल नहीं मारोगे, है ना, जब तक उसको पैडल नहीं मारोगे वो साइकिल आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इन द सेम वे डोर ऑफ द कबर्ड विल नॉट ओपन अनलेस यू अप्लाई फोर्स, मतलब ये कहने का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है कि जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते कोई बॉडी को मूव करने के लिए या उसमें चेंज लाने के लिए, वो फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, क्लियर। आगे देखो, वेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई फोर्स ऑन, इसमें कह रहा है क्या कि अगर मान लो कि ये देखो इस ड्राइंग को देखो आप, इस ड्राइंग को, है ना, इसमें क्या कर रहा है, एक आदमी, दो आदमी एक बक्से को ढकेल रहा है, अगर सपोज ये बॉक्स एक ही आदमी ढकेलता उसको ज्यादा फोर्स लगता, ठीक है। तो मान लिया कि ये अब दोनों लगा रहा है तो दोनों का फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना, अब तो आसानी से मूव करेगा। लेकिन अगर इस केस में देखो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है और दूसरा इधर से लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स होगा वही आपको मोमेंट मूवमेंट बताएगा, जो ज्यादा जोर से फोर्स लगेगा उसे, अगर सपोज ये ज्यादा जोर से फोर्स लगा रहा है तो मतलब फाइनल मूवमेंट किधर होगा बॉक्स का, इस तरफ, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन से लगा रहा है इस तरफ से ही,
है ना, दोनों इस तरफ से ही लगा रहा फोर्स, तो क्या होगा, दोनों एक साथ ही मूव करेगा, ठीक है, और ऐड हो जाएगा फोर्स, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, है ना, कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मतलब कि फोर्स के वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, है ना, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्या बोला इसमें कि इट वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, ये कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई एक बॉडी अगर सपोज मूव कर रहा था तो हम लोग क्या करें, उस पर फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, वो बॉडी रुक सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। सपोज कोई बॉडी इधर से मूव कर रहा था, हमने इसको धक्का दे दिया इस तरफ, तो अब वो उस तरफ मूव करने लगा, है ना, मतलब उसके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। सही बात है, अगर सपोज की कोई एक बॉक्स है ना, कोई एक बॉक्स है, ठीक है, वो मूव कर रहा था, आपने क्या किया, पीछे से धक्का दे दिया उसको, तो क्या वो उसकी बॉडी, वो जितना स्पीड से मूव, सपोज ये कोई बॉक्स है, ये मूव कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, आपने क्या किया, पीछे से जाके धक्का दे दिया और ये जोर से मूव करने लगा, है ना, थोड़ा स्पीड से मूव करने लगा, तो क्या हुआ, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज कैसे करेगा, अगर सपोज ये इधर से मूव कर रहा था, आपने क्या किया, इधर से धक्का लगाने से, तो धीरे 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 फिर मूव करेगा, पहले स्पीड से आया लेकिन आपने क्या लगा, फोर्स लगा दिया, फिर धीरे 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 ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था कि इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी का स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है कि ये बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। अगर सपोज कि आपके पास, मैंने जस्ट अभी एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट का, है ना, जो टूथपेस्ट होता है उसको क्या करता है, अगर आप उसको पूरा क्रश कर दो, दबा दो, तो आपने उससे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, उसका शेप में चेंज आ गया, स्प्रिंग, एक तरह से स्प्रिंग, उसको क्या किया आपने, खींच दिया, तो क्या हुआ, उसका शेप जो था वो चेंज हुआ, है ना, वो थोड़ा लंबा हो गया। रबर है ना, घर पे जो आप रबर यूज करते हो, वो क्या, रबर को अगर खींचते हो तो उसका भी शेप चेंज होता है ना, पहले वो थोड़ा ठीक रहता है लेकिन आप जैसे ही उसको खींचोगे उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। आई होप आज के वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा अभी तक में। आगे हम लोग फोर्स के बारे में और भी कुछ ज्यादा चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, और इन सब कैसे फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, ये सब कैसे होता है, ये सब के कुछ एग्जांपल्स और भी हम लोग अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।